गुड मॉर्निंग अनामिका, गुड मॉर्निंग सुशांत, गुड मॉर्निंग गरिमा, गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग श्रेयांश, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट किया है हम लोगों ने, सेटिंग अरेंजमेंट किया था ना, तो टॉपिक क्लियर है सब लोगों को अच्छे से? प्रैक्टिस कर रहे हो? उसकी स्टार्ट कर दी है प्रैक्टिस करना? श्रेयांश आप सोचो कि इतनी जल्दी टाइम मैनेजमेंट हो जाए बेटा, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। लगातार 20-25 दिन पहले प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप देखोगे इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है ना। और ये टॉपिक आपका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी प्लस बैंकिंग प्रीलिम्स, और बैंकिंग मेंस में कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपके बैच में स्टार्ट होगा पजल, इसके बाद आपका जो है जो बैंक का मेंस का सिलेबस है और प्री का है वो स्टार्ट हो जाएगा पजल, और उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। और उसके इन टॉपिक्स के अलावा जो आपका मेंस का और रिमेनिंग सिलेबस है वो सैटरडे को हो रहा है, और जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो टॉपिक है वो 2 से 3 आपका मैम करा रहे हैं, ठीक है ना। और जो कॉमन टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी, कोई डाउट, किसी को कुछ समस्या स्टार्ट करने से पहले? ठीक है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग दोनों टर्म्स का अपना अपना मीनिंग है। ऑर्डर माने क्या होता है, रैंकिंग माने क्या होता है, दोनों चीज देखते हैं पहले। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अरेंज करना, ऑन अ गिवन वेरिएबल, ऑन अ गिवन पैरामीटर, ऑन अ गिवन पैरामीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मुझे अरेंज करने को कहा जाएगा और कोई भी मुझे पैरामीटर दे दिया जाएगा। पैरामीटर का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, आपका एज हो गया, आपका वेट हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपकी एफिशिएंसी हो गई, तो यहां पर कोई भी पैरामीटर हो सकता है। ये होता है आपका ऑर्डर। रैंकिंग का माने सिंपल होता है कि किसी भी वेरिएबल की किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या रैंक रहेगी, उस टाइप से। समझ आया? दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ठीक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट सेवंथ एट जो भी है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ गिवन रो। और एक चीज मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए पजल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है,
क्योंकि पजल एक ऐसा टॉपिक है जो सब कुछ पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस भी पजल में मिक्स होकर आपको देखने को मिलेंगे मेंस लेवल के जो होते हैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट है, इन अ क्लास ए 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एंड आपके सामने लिख रहा हूँ ये आपका लेफ्ट एंड होगा और ये आपका राइट होगा। ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये स्क्रीन पर आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ बस इतना बोलूंगा, आप जहां जैसे भी स्थिति में जहां भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अपना लेफ्ट हैंड वो आपका लेफ्ट साइड रहेगा, आपका राइट हैंड आपका वो आपका राइट साइड रहेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इन अ क्लास ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मैं किसी भी पर्सन को 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कब काउंट करूंगा, जब मैं उसके लेफ्ट की तरफ 16 लोगों को देख चुका हूंगा। तो अगर मैं कहूं ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब ए के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे, या बोलूं कि ए इज द 17th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब ये है कि ए के लेफ्ट की तरफ 16 चेयर और पड़ी हुई है। समझ आया ये पॉइंट? ठीक। अब एंड 33rd फ्रॉम द राइट हैंड, अब यही पर्टिकुलर चेयर जो ए नाम की है ये 33rd पोजीशन पे है राइट हैंड से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं राइट हैंड से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो इस चेयर को 33rd कब काउंट करूंगा, जब ऑलरेडी 32 चेयर काउंट कर चुका हूं राइट हैंड साइड की तरफ। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है। अब यहां क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो देखो 32 स्टूडेंट ए के राइट की तरफ है, 16 स्टूडेंट ए के लेफ्ट की तरफ है, 16 और 32 कितने हो गए 48 और एक आपका ए, तो टोटल यहां पर कितने स्टूडेंट्स हो गए 49। अब यहां पर बहुत से लोग कहते हैं सर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट ट्रिक क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं शॉर्ट ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि इतनी प्रैक्टिस करो कि शॉर्ट ट्रिक भी पीछे रह जाए। तो यहां पर ट्रिक है, जो लोग ट्रिक में बिलीव करते हैं, वैसे मैं मना करूंगा इन सब चीजों को फॉलो मत करना, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ सीए सीए ट्रिक बेस्ड नहीं आते हैं, घुमा के आता है तो आपकी ट्रिक भी घूम जाती है और आप भी फेल हो जाते हो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप ट्रिक के भरोसे बैठते हो तो, इसलिए मैंने आपको पहले जनरल मेथड बताया। ट्रिक क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, 17 प्लस 32 डायरेक्ट 33 ऐड कर दो और इसमें से एक माइनस कर दो, 49 आंसर आ जाएगा। ना तो इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना तो इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? देखिए एक बार से खुद से देखो, ट्राई करो, ये अभी सिर्फ बेसिक बेसिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनसे कंबाइन होकर क्वेश्चन बनता है, पहले हम उन स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। In a class of 50 students, A is 17th from the top. तो अगर अब टॉप और बॉटम की जब बात आएगी बेटा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी टॉप की और बॉटम की बात आएगी इसका मतलब हो जाएगा वो एक वर्टिकल लाइन है। क्या है वो, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 17th फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब क्या है, A के ऊपर कितने लोग होंगे 16। What is its position from the bottom? तो अगर 50 लोगों का रो है और A के ऊपर 16 लोग हैं, तो A के नीचे कितने होंगे 16 और 33। सभी लोग गलत आंसर कर रहे हो सिवाय दीप्ति को छोड़ के और साक्षी को छोड़ के, ठीक है। तो कितने हो गए 16 और 33 49 और 1 A 50। अब वो क्या पूछ रहा है, What is A's position from the bottom? तो अगर A के नीचे 33 लोग हैं तो A को तो मैं 34th बोलूंगा ना बॉटम पोजीशन से, 33 क्यों बोलूंगा, समझ आया, गरिमा गर्व
अनुराग चलो क्लियर सबको याद है। अब आती है तीसरी कहानी, आपके सामने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, ओवरलैपिंग। टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग। अब बात यह है कि यहां पर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। इसका मीनिंग आपको अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक। अभी फिलहाल के लिए इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो भी ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो भी ठीक है। मैं अभी आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा जब मैं इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा। ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं पहले। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये मेरा लेफ्ट होता है, ये मेरा राइट होता है। ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ए आपका यहां पर है, और यहां पर अगर ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो ए के लेफ्ट की तरफ 17 लोग हैं, करेक्ट। एंड बी इज 7th फ्रॉम द राइट एंड, मतलब कि बी के राइट की तरफ कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, क्लियर कट बात है। अब ए के लेफ्ट की तरफ 17, बी के राइट की तरफ 6, कितने हो गए 23। एक ए एक बी कितने हो गए 25, टोटल कितने लोग थे 30, तो बाकी के 5 लोग कहां होंगे, ए और बी के बीच में होंगे, राइट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी, द आंसर इज 5, क्लियर क्लियर। अब यहां पर एक चीज देखने की कोशिश करो, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि मुझे बोला गया था कि ए को 18 फ्रॉम लेफ्ट है, तो मैंने ए को लेफ्ट साइड रखा, मैंने बी को राइट साइड रखा। ओवरलैपिंग तब होगी जब मैं ए की पोजीशन को लेफ्ट से गिन रहा हूं और बी की पोजीशन को राइट से गिन रहा हूं, लेकिन इन्हें ओवरलैप करा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर कुछ लोग कॉमन होंगे इनके बीच में। क्या समझ में आया ओवरलैपिंग का मीनिंग सभी लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, सभी लोग आंसर करो। ये टॉपिक पजल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एक एक कड़ी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से और एक एक कड़ी इतनी अच्छी तरह क्यों जोड़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्यों इतने अच्छे से और बारीकी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ना तो बैंक के प्री के लिए और एसएससी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है बैंक के मेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं वर्टिकल वाले की। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 15th फ्रॉम द टॉप। अगर 50 लोगों की क्लास में ए 15 है ऊपर से 15, तो इसका मतलब ए के ऊपर कितने लोग होंगे 14 लोग होंगे। ए इज 15th फ्रॉम द टॉप एंड एस इज 15th फ्रॉम द बॉटम। और एस कहाँ है आपका, बॉटम से 15वें स्थान पर है, मतलब एस के नीचे कितने लोग होंगे 14 लोग। एस के नीचे 14, ए के ऊपर 14, कितने हो गए 28, एक ए और एक एस दो और, टोटल हो गए 30। कितने लोग होंगे इनके बीच में, जब टोटल क्लास में 50 लोग हैं तो इनके बीच में होंगे 20 लोग। यहां पर भी किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं हुई क्योंकि ए और एस, ए को मुझे बोला गया था टॉप से है तो उसे टॉप पर रखा, एस को बोला गया था बॉटम से है तो उसे बॉटम पर रखा, किसी भी तरह की ओवरलैपिंग देखने को मुझे यहां पर नहीं मिली। समझ में आया टाइप 3।
आप लोगों को बुक का नाम मालूम पड़ गया क्या, जो आप लोग बोल रहे थे प्रैक्टिस के लिए? हाँ श्रेयस, ठीक है, इसको परचेज करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और हाँ बेटा एक बात और, अभी कोई भी बच्चा मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाएगा, मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अपने आप को खुद प्रॉब्लम में फाइंड करोगे। कोई दिक्कत नहीं कोमल, अगर उसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वहीं से प्रैक्टिस करो, आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जहां से मटेरियल मिले वहां से प्रैक्टिस करो। हाँ, और अभी मेंस लेवल के क्वेश्चन मत टच करना। हाँ मेंस लेवल के क्वेश्चन टच करोगे तो देखो सॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है, परेशान हो जाओगे फालतू में। अभी मुझे पहले पजल सॉल्व कराने, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कब से करना शुरू, अगर करना भी है तो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि पहले प्री वाले क्वेश्चंस पर कमांड बनाओ अपनी अच्छी, क्योंकि तो पहले प्री निकाल ले, है ना, मेंस को भी साथ में देती हूँ, चलना करो। अब बात करेंगे टाइप 4 की। टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन व्हेन देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन द पर्सन। अब यहां पर बात आ जाती है कि अब मुझे दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो पता लगाना है, तो अब यहां पर बात आती है कि जब वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग जब भी होगी आपको ऑटोमेटिकली डाटा पढ़कर समझ में आ जाएगा कि यार अगर आप इसमें ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल है। देखो कैसे, इस पॉइंट की बात करते हैं, अगेन दिस इज अवर लेफ्ट, दिस विल ऑलवेज रिमेन अवर लेफ्ट एंड दिस इज राइट, दिस विल ऑलवेज रिमेन अवर राइट। In a row of 30 students, A is 18th from the left end, right? So let's draw this. If A is 18th from the left end, it means there are 17 persons to the left of it, right? And B is 18th from the right end. Now, is it possible to keep A and B apart from each other, as there are total 30 students in the row? अगर आप इफ यू विल कीप देम अपार्ट इन सच अ वे देन यू कैन सी दैट ओनली दैट आफ्टर कीपिंग देम अपार्ट वी हैव ऑलरेडी 34 स्टूडेंट्स इन द रो, बट इन टोटल वी हैव ओनली 30 स्टूडेंट्स इन द रो। सो इज इट पॉसिबल टू कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, इज इट पॉसिबल टू कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय जस्ट रीडिंग द डाटा यू कैन मेक आउट दैट इट इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग। अभी करना क्या है, What is to be done? अभी क्या लिखा है यहां पर, A is 18th from the left end, right? And B is 18th from the right end. तो क्या करने वाले हैं हम लोग, इन्हें ओवरलैप कराएंगे। ठीक है, अब आपको पता कैसे लगेगा कि इनके बीच में कितने लोग हैं? तो सुनो बात यहां पर ध्यान से, A 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड है, करेक्ट, और आपको पता है, आपको पता है कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं लाइन के अंदर। तो अगर A 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है तो इसका मतलब उसके राइट की तरफ 12 लोग होंगे, करेक्ट। और अगर B आपका 18th फ्रॉम द राइट एंड है, इसका मतलब उसके लेफ्ट की तरफ भी 12 लोग होंगे। इसका मतलब A के इस साइड 12 लोग, B के इस साइड 12 लोग, है ना, 12 ही तो होंगे, करेक्ट। तो 12 प्लस 12 24, एक ए खुद एक बी खुद, दो 26 हो गए। अब टोटल 30 स्टूडेंट्स रो में, इसमें से 26 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, चार। तो चार लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं। क्या ये कहानी समझ में आई? ओके वेट दीप्ति एंड नीतू, चलो
ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इसका मतलब क्या है, ए के लेफ्ट की तरफ 17 लोग होंगे, और अगर टोटल 30 लोग हैं रो के अंदर, इसका मतलब क्या है, ए के राइट की तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग, राइट। ये बात समझ में आई, ठीक। उसके बाद अगर बी की पोजीशन राइट से 18th है, इसका मतलब बी की राइट की तरफ 17 लोग होंगे और बी के लेफ्ट की तरफ 12 लोग होंगे। अब यहां पर इस चीज पे थोड़ा सा गौर देखो, गौर करूंगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या है, आपका जो बी है वो भी 18 है, कहां से, राइट हैंड से, इसका मतलब उसके राइट की तरफ 17 लोग हो गए और लेफ्ट की तरफ 12 लोग हो गए। अब यहां पर एक चीज देखो, ए की इस पोजीशन की तरफ देखो ध्यान से, कि ए की इस पोजीशन की तरफ 12 लोग हैं, करेक्ट, ये तो दूर रहने वाले हैं, और बी की इस पोजीशन की तरफ 12 लोग हैं, तो ये तो सेपरेट रहेंगे ना हमेशा, तो ये कितने हो गए, 12 + 12 = 24। अब मुझे ए और बी के बीच में फाइंड करना है ना, तो ए और बी के बीच में फाइंड करोगे तो ए और बी को तो गिनोगे नहीं ना, तो दो लोग ऑन हो गए, ए और बी हो गए 26। अब कितने थे, 30 लोग थे, 30 में से 26 को माइनस करोगे तो आएगा 4, ये 4 लोग बीच में मिल जाएंगे। समझ आया दीप्ति और नीतू? नीतू हाँ, नीतू क्या कह रहे हो? ओके, ठीक है, चलो ऊपर वाला ट्राई करो, इससे जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है उसको ट्राई करो एक बार, ठीक है अंशिका, ओके कर। ओके, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ए इज 35th फ्रॉम द टॉप, ए ऊपर से 35वें स्थान पर है, एंड एस इज 35th फ्रॉम द बॉटम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है 50 लोगों के केस में, ठीक। अब 50 लोगों के रो में अगर ए का स्थान 35वां है ऊपर से, तो इसका मतलब ए के नीचे कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे, तभी तो 34 + 15 + 1 = 50 होगा। सिमिलर केस बनेगा किसके संग, एस के संग, अगर एस का स्थान 34वां है, 35वां है नीचे से, तो एस के ऊपर कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे। अब एस के ऊपर कितने लोग हैं, पंद्रह लोग, ए के नीचे कितने लोग हैं, 15 लोग, तो 15 + 15 ये गायब हो गए 30, इसमें दो स्थान कौन से है, ए और एस का, तो कितने हो गए 32, तो 32 लोग तो काउंट हो गए, तो बाकी के जो बचे हैं 50 में से 32 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 18। क्लियर हुआ? अब यहां से जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा वो बोलेंगे सर हमारे पास एक ट्रिक है,
है ना, कोई बोल रहा है ना कि सर हमारे पास एक ट्रिक कैसे डायरेक्ट करने की? अरे कोई ट्रिक ट्रिक कुल कुल मिलाकर ट्रिक इतनी है कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, 70 इसमें से इसे माइनस कर दो, 50 कितना आ गया 20, इसमें से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो 18। सिमिलरली यहां पर क्या है, 30 लोग हैं, 18 प्लस 18 कितना हुआ 36, 36 में 30 को घटा दो कितना आया 6, इस 6 में से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। लेकिन ये चीज है ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक को समझो, समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिस करने के बाद दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस जब हो जाती है तो आपकी इतनी स्पीड बन जाती है कि इवन आप ट्रिक को भी छोड़ सकते हो, लेकिन ट्रिक आपकी वहां पे फेल हो जाती है अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा क्वेश्चन को मोड़ दिया, जैसे कि बहुत, जैसे कि आजकल होता ही होता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर थोड़ा घुमा कर आता है। जिन लोगों के पास बेसिक क्लियर नहीं होते, ट्रिक वी कैन फॉरगेट एन स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली दीप्ति, दिस पॉइंट ऑलवेज ऑलवेज आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इवन इवन द केस इज सेम विद मैथमेटिक्स, है ना? अगर आप मैथ्स के अंदर ट्रिक लगाते हो तो आपको पता है कि एक कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात करता हूँ, जैसे मैं अगर परसेंटेज की बात करता हूँ, तो परसेंटेज में ऐसा नहीं है कि पूरा परसेंटेज आप एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक वो अच्छी होती है जो कॉन्सेप्ट पर बिल्ड होती है, है ना? बट कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो सिर्फ ट्रिक के लिए है, तो वो बेकार है, ठीक है? ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें जो मेमोराइज करनी पड़ती है। अगर एसएससी वाले स्टूडेंट्स की बात करोगे करूं तो उनको पूरा जनरल अवेयरनेस मेमोराइज करना पड़ता है, उन्हें इंग्लिश की वोकैब मेमोराइज करनी पड़ती है। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन्हें पूरा करंट मेमोराइज करना पड़ता है 6 महीने का, है ना? तो अगर और आपके पास लिमिटेड मेमोरी वाला जो लर्न करने वाला होता है वो तो लिमिटेड मेमोरी है, आप अगर ज्यादा रट्टा मारोगे तो चीजें घूमेंगी और आप भूलोगे, है ना? इट्स बेटर कि जहां पर आप दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे दिमाग ही लगाओ, वो शार्प ही होगा, है ना? पेन ही होता चला जाएगा, कमजोर नहीं होगा, क्योंकि करंट वरेंट पढ़ोगे उस समय कोई दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है? अगर पेटीएम का सीईओ कोई पर्टिकुलर है तो वो है, ठीक है? टेक महिंद्रा का या अलग अलग कंपनियों का कोई सीईओ है तो वो है, वो याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई भी ट्रिक नहीं है। चलो ओके, तो जो रैंकिंग में नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम आएगा वो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जो अभी हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पिछले चारों टाइम आपको समझ में आए होंगे, ठीक है? यहाँ पर पहले ना पूरा एक कॉन्सेप्ट समझना, पूरा एक बिल्डिंग बताऊंगा वो समझो। इफ पोजीशंस आर इंटरचेंज, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एसएससी वालों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बैंक वालों में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, बैंकिंग वालों के लिए रैंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। इन अ रो विवेक इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, ठीक? तो सबसे पहली बात, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। इन अ रो विवेक इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, तो ये आपका विवेक है और ये 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो है, इसका मतलब विवेक के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हो गए, 11 लोग। एंड जितेश इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, इसका मतलब जो जितेश है वो दाएं तरफ से कितने, कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, इसका मतलब जितेश की दाएं तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 17 लोग हो जाएंगे, राइट? ये कॉन्फ़िगरेशन बना। अरे एक चीज याद रखना बेटा, जब देखो एक तो चीज होती है ओवरलैपिंग की, ठीक है? आपको अगर क्वेश्चन में डाटा पढ़ने के बाद डाटा से ये नहीं मालूम पड़ रहा कि वो मतलब समझ में आ रहा है कि ये ओवरलैपिंग नहीं है, बिना ओवरलैपिंग के क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वेश्चन फोकस नहीं कर रहा ओवरलैपिंग के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, आपको ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ठीक है? आपको लेफ्ट साइड का वेरिएबल लेफ्ट साइड की तरफ रखना है, राइट साइड का वेरिएबल राइट साइड की तरफ रखना है, अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता है। कहने का मतलब ये है बाय डिफॉल्ट आप ओवरलैपिंग नहीं करोगे। इनके बीच में कुछ लोग होंगे
एक्स मान लेता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता तो जब चलता ना कि जब मुझे मालूम पड़ता पूरे रो में कितने लोग हैं, आगे कहानी क्या है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, मतलब विवेक विल कम एंड सिट एट द पोजिशन ऑफ जितेश एंड जितेश विल गो एंड सिट एट द पोजिशन ऑफ विवेक। क्या करती है, अपना नाम तो भूल गई, ठीक है, ये लिखा रहे यहाँ पे इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, और इनके बीच में तो पहले भी अगर एक्स लोग थे तो अब भी एक्स बैठेंगे, उस चीज का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, करेक्ट। विवेक बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब विवेक की ये जो वाली पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, ये 25th फ्रॉम लेफ्ट हैंड कहला रही है, मतलब विवेक के सिर्फ कितने लोग हो गए लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो कितने हो गए, 24 लोग हो गए, करेक्ट। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पहले मेथड को समझना, उसके बाद इसमें छोटा सा जो पॉइंट है वो भी समझ लेना। अभी सबसे पहले अब मैं यहां से क्या चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं स्लो में, देखो कैसे कर लूंगा। इस पोजीशन को देखो, सिर्फ इस पोजीशन के लेफ्ट में कितने लोग हैं और इस पोजीशन के राइट में कितने लोग हैं, वो दोनों बात मुझे पता है, कितने हैं 24 प्लस 17। बट अनुराग क्या ये करेक्ट आंसर है, 24 प्लस 17 क्या आपको करेक्ट आंसर देगा? नहीं देगा। आपने इस वाली पोजीशन के लेफ्ट और राइट तो काउंट कर लिए, बट इस पोजीशन को तो काउंट ही नहीं किया, इसका मतलब 24 प्लस 17 प्लस 1 कितने लोग हो गए टोटल आपके, 42। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने हो गए, 40। ठीक, क्लियर यहां तक सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक, आगे का प्रोसेस करें। दीपांशी यस नो कर दिया करो बेटा, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। चलो आगे देखो, आपको पता है इस पूरे लाइन की वैल्यू 42 है ना, पूरे लाइन की वैल्यू 42 है। अब मुझे एक्स निकालना है तो क्या करूंगा, देखो यहां पर ध्यान से एक बार, यहां से देखो 11 प्लस 1 विवेक प्लस बीच में कितने लोग हैं एक्स प्लस जितेश प्लस 17 इक्वल टू क्या, इक्वल टू 42 होगा नहीं होगा, 11 प्लस 1 विवेक प्लस एक्स प्लस जितेश प्लस 17 इक्वल टू 42। तो यहां पर विवेक और जितेश क्या है, ये तो एक एक पर्सन है ना, तो इनकी जगह एक एक लिख लूंगा, तो 11 प्लस 1 12 12 प्लस 1 13 13 प्लस 17 30, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 माइनस 30 दैट इज 12। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 12 लोग। क्या ये बात समझ में आई, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, इसकी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेन दी है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ओके। तो कितने लोग हो गए, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 12। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर, अब यहां पर पूछा गया है न्यू पोजीशन ऑफ जितेश फ्रॉम राइट साइड, दाएं तरफ से जितेश, जितेश का नया स्थान बताना है। अब देखो यहां पर जितेश का नया स्थान कैसे बताओगे, 17 प्लस 1 विवेक, 18 18 जितेश और विवेक के बीच में कितने लोग, 12 18 प्लस 12 30। तो जितेश का स्थान क्या हो जाएगा, 31st हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस और नो,
पहले इसको समझ लो, देख लो एक बार, उसके बाद तरीका बताता हूं कि अगर बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा सर अगर डायरेक्ट इसमें दूसरा और तीसरा सवाल नहीं पूछा जाता जो अक्सर होता है पेपरों में, अगर सिर्फ पहला सवाल पूछा जाता तो हम क्या करते? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पहले मैंने दूसरा सवाल का जवाब निकाला है, फिर तीसरे का निकाला है, तब जाकर पहले का निकाला है। तो अगर डायरेक्ट सिर्फ पहला सवाल पूछा जाता तो क्या मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैंने तीन नंबर वाला काम किया है, लेकिन अगर सवाल सिर्फ एक नंबर का आएगा तो तीन नंबर वाला काम करना थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ऑब्वियस सी बात होगा। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, तो उस चीज को समझेंगे। कर देता हूं अंशिका, देखो यहां पर अंशिका, ये समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में 12 लोग हैं बेटा? अंशिका अब देखो, यहां पर इस पोजीशन के राइट साइड की तरफ तो 17 लोग ही है ना अंशिका? ठीक है, आप देखो आपको क्या पूछा जा रहा है, जितेश की पोजीशन राइट हैंड साइड की तरफ से, तो देखो यहां पर 17 लोग ये रहे, एक स्थान पर विवेक बैठा है मतलब 18 लोग, उसके बाद 12 लोग जितेश और विवेक के बीच में बैठे मतलब 18 + 12 = 30। अब उसके बाद राइट हैंड से जितेश का पोजीशन क्या होगा, 31st ही तो होगा। अगर मैं 30 कुर्सियां गिन चुका हूं तो अगली कुर्सी कौन सी होगी, 31वीं तो होगी, तो उस 31वीं पोजीशन पे कौन बैठा, जितेश ही तो बैठा है। Is that clear? Okay. यहां तक क्लियर सब लोगों को कहानी? आप सुनो आगे की बात की, सर अगर सिर्फ पहला सवाल पूछा जाता तो क्या ये कहानी हमें रिपीट करनी पड़ती? तो मैं बोलूंगा नहीं करेंगे, उसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ट्रिक की जरूरत इसलिए है, ट्रिक नहीं है, वो जो बता रहा हूं वो ट्रिक नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समय के संग खुद आ जाती। अब देखना यहां पे, ठीक है, अब मैं यहां पर कैसे पता लगाऊं अगर मुझे ये सवाल नहीं पूछा गया, मुझे ये सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया डायरेक्ट, तो इस सवाल का, रुक जाओ करण रुक जाओ, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे ऑब्वियस ही बात है बीच में कितने लोग बैठे हैं मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर विवेक की पुरानी पोजीशन के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं, क्योंकि विवेक की पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन दोनों के एंड से लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं वो पता चल रहा है मुझे, क्योंकि दिया हुआ है। विवेक की पुरानी पोजीशन के केस में उसके लेफ्ट की तरफ कितने लोग थे, 11। विवेक को शिफ्ट कर दिया, इंटरचेंज करा दी उसकी पोजीशन जितेश के साथ, तो अब विवेक जितेश की जगह पर जाके बैठ गया। अब विवेक की उस नई पोजीशन के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। इसका मतलब विवेक की पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन की लेफ्ट में कितना डिफरेंस है, 24 - 11 = 13। हाँ या ना, हाँ या ना, ये दोनों पोजीशन एक ही एंड से दी हुई है, लेकिन क्या 13 लोग बीच में बैठे हैं, हमने तो 12 किया था, ये गलत है। क्यों गलत है, अब इस बात को भी समझो, आप विवेक की यहां से काउंट कर रहे हो पोजीशन लेफ्ट से और यहां से लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, तो आपको निकालना है विवेक और जितेश के बीच में कितने लोग हैं, और जब आप 13 फाइंड आउट कर रहे हो बेटा तो आपने इस जितेश की पोजीशन को भी काउंट किया, हमें वो नहीं करना, हमें इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने हैं, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एक कम कर दोगे वो आपका आंसर होगा, उन दोनों वेरिएबल के बीच में कितने लोग हैं। क्या समझ में आया ये पॉइंट, डायरेक्ट एक ही वेरिएबल के लेफ्ट में पुरानी पोजीशन नई पोजीशन में कितने लोग लेफ्ट में बैठे हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक घटा दो, एक घटाने का लॉजिक भी बता दिया क्या है, क्योंकि मुझे उन दोनों के बीच में लोग चाहिए, उनको जब हम किसी के बीच में फाइंड आउट करते हैं तो क्या उन वेरिएबल को थोड़ी ना कंसिडर करते हैं। अगर मैं बोलूं पहली कुर्सी और 10वीं कुर्सी के बीच में कितनी कुर्सियां पड़ी हैं,
तो 8 कुर्सियां तो पड़ी होंगी, क्योंकि मैं पहली और दसवीं के बीच की बात कर रहा हूँ ना, तो उस केस में दसवीं और पहली को थोड़ी ना गिनूंगा। और यहाँ पर भी ऐसी सिनारी हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट मालूम पड़ गया वायरल हो गए, सबको क्लियर कर ये बता दो ये चीज। संजीत, साक्षी, नीतू, कोमल, कस्तूरी, करण, गर्व, गरिमा, देव, दीप्ति, दीपांशी, दरक्षण, अनुराग, अंशिका, तो मालूम पड़ गया डायरेक्टली मुझे 12 लोग हैं। अब जैसे ही 12 लोग मालूम पड़ा, आंसर आपके सामने आ गया। एक्स की वैल्यू क्या है? 12 है, बात खत्म। फाइंड आउट क्या करना है? जितेश की नई पोजीशन राइट हैंड साइड से 17 + 1 = 18 + 12 = 30, 31 वस्ता हो गया। डायरेक्ट आंसर आपके सामने है, आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो, क्योंकि रैंकिंग का ये थ्योरी पढ़ी है अभी तक हमने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल कोमल, एक बताता हूं, ठीक है? देखो कोमल, बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे पास पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद विवेक की जो पुरानी पोजीशन है और विवेक की जो नई पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसके लेफ्ट की तरफ कितने लोग वो मुझे दिए गए थे। विवेक के पहली जो पुरानी पोजीशन थी उसके लेफ्ट में 11 लोग थे, ठीक? उसके बाद जब विवेक को उठाकर जितेश की सीट पर बैठा दिया, तो अब उस नए स्थान पर विवेक के लेफ्ट की तरफ 24 लोग थे। इसका मतलब 11 और 24 में फर्क कितना हुआ? 13 का डिफरेंस आया, नहीं आया? तो क्या इसका मतलब 13 लोग बैठे थे उन दोनों के बीच में? नहीं, क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आया है कि विवेक अपनी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है? तो 13 स्थान शिफ्ट हुआ है। और अगर बीच में निकालने की बात आएगी कि विवेक और जितेश के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर जो 13 का डिफरेंस है उसमें बेटा इस पोजीशन को भी काउंट किया गया है जहां पर जितेश अभी बैठा है, ठीक है? लेकिन मुझे ये थोड़ी ना काउंट करना किसी के बीच में निकालने के लिए, तो उसके लिए मुझे इस पोजिशन को माइनस करना पड़ेगा। तो 13 - 1 = 12। बेटा किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर चीजें समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चंस अब आप खुद भी कर सकते हो, मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन पार्ट के साथ। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कॉल करो उसे। स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से और कोशिश करेंगे 0 लेवल तक जाने की। रवि इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड 19th फ्रॉम द राइट एंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? डायरेक्ट कर लेते हो ना, 19 + 18 = 37 - 1 = 36। यहां पर भी कर सकते हो 17 + 18 = 35 और 1 = 36। ठीक, चल सॉल्व करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो मेंशन नहीं है, तो फिर कैसे पता चला? तो इन्होंने एक की पोजीशन तो बता दी ना, एक ही स्टूडेंट की पोजीशन लेफ्ट और राइट से बता दी, तो मालूम नहीं पड़ेगा टोटल पीपल कितने होंगे। अगर मैं बोलूं दरक्षण क्लास में आपकी, हाँ समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर।
दो अलग अलग आंसर आए, दीप्ति 42 कह रही है, शशांक 41 कह रहा है। अभी भी दो आंसर आ रहे हैं, जहां पर करण कह रहा है 41, संजीत कह रहा है 42, श्रेयांश 42, गरिमा साक्षी 41। ओके, देखते हैं। सीमा इज 19th फ्रॉम राइट, एंड 8 टू द राइट ऑफ सुमन। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 7 लोग होंगे। Who is 15th from the left? मतलब सुमन is 15th from the left. मतलब सुमन के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। How many students are there in the row? तो 14 plus 1 सुमन plus सुमन और सीमा के बीच में 7 लोग plus सीमा के राइट की तरफ 18। 14 plus 1 15 plus 7 22, 22 plus 1 23, 23 plus 18 40। तो जो लोग 42 आंसर कर रहे थे, जैसे श्रेयांश, संजीत, श्रेयांश संजीत ने करेक्ट कर लिया अपना आंसर, दीप्ति वो कृपया कटघरे में आए। 42 जो आंसर कर रहे थे वो कटघरे में आओ, फांसी की सजा सुनने से पहले अपने अपने बारे में कुछ, मतलब अपने अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, अपने लिए मतलब कुछ कहना चाहते हो कि सर नहीं हमने गुनाह नहीं किया। हाँ, आखिरी इच्छा श्रेयांश बताओ क्या है आपकी आखिरी इच्छा? हाँ, बेगुनाही साबित करो अपनी। 42 आंसर कैसे कर सकते हो? मांगो श्रेयांश अपनी आखिरी विश। अच्छा, ठीक है, सोच कर बताना श्रेयांश, ठीक है, पासी की तरह सुनने से पहले। चल चले आगे, बिल्कुल अनुराग कह रहा है श्रेयांश को फांसी की सजा दे दो सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अनुराग और श्रेयांश, श्रेयांश की बॉन्डिंग देखकर एक मूवी का नाम याद आ गया मुझे। पूछोगे कौन सी? जानी दुश्मन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो।49, देखो फिर से अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
गर्वदीप थी कह रहे 49 और दर्शन कह रही 47। देखते हैं इस बार कौन चढ़ेगा फांसी की सजा। देखते हैं 47 संजीत। ओके करण बहुत बढ़िया। मैं रिस्क नहीं ले रहा सर इस बार। हाँ क्योंकि इस बार आपको लास्ट विश बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा। इसका मतलब शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा, मतलब चार लोग बीच में हो गए। हु इज 24th फ्रॉम द राइट, इसका मतलब क्या है? नीलिमा इज 24th फ्रॉम द राइट, मतलब नीलिमा के राइट की तरफ कितने लोग हो जाएंगे? 23 लोग। एंड शिवी इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ शालू। शिवी इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ शालू, मतलब इन दोनों के बीच में मिला के कितने लोग होंगे? 7 लोग, राइट? तो 4 और 1 नीलिमा 5, दो लोग तो 5 लोग तो हो गए, तो दो लोग और होंगे। ठीक, शालू। शिवी इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ शालू एंड इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब शिवी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो शिवी इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब शिवी के लेफ्ट की तरफ कितने होंगे? 20 लोग होंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? तो 20 लोग शिवी के लेफ्ट की तरफ, एक शिवी, दो लोग शिवी और नीलिमा के बीच में, एक नीलिमा और नीलिमा की राइट की तरफ 23 लोग। तो 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 23 47 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दर्शन करेक्ट, संजीत करेक्ट, साक्षी करेक्ट, नीतू करेक्ट, अनुराग करेक्ट, और जो महान व्यक्ति है जिन्होंने 49 और ई ऑप्शन दिया है, उनका आंसर क्या है? गलत है। गलत क्यों है उसको देखो एक बार और मुझे बताओ, क्या मिस्टेक समझ में आई? क्या मिस्टेक को फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं? क्योंकि मिस्टेक को अगर फाइंड आउट नहीं करवाओगे तो सेम मिस्टेक आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एंड दैट्स ऑफ नो यूज। सो इट्स बेटर कि आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो और बताओ मुझे क्या मिस्टेक करी आप लोगों ने। करण क्लियर है? ठीक है, तो आज क्लास को यही तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you.